नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण के खिलाफ निर्देश दिए जाने की मांग कर रही कंगना रनौत उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार बनाने में विफल रही। जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े रनौत की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में पासपोर्ट अधिकारियों को उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत पुनः जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर लंबित होने के कारण उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। अपने आवेदन में कंगना ने कहा है कि उन्हें अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है और उन्होंने पासपोर्ट फिर से जारी करने के लिए आवेदन किया था, क्योंकि उनका पासपोर्ट 15 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला है। उन्हें विशेष रूप से अपनी आगामी हिंदी के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग समाप्त करने के लिए विदेश जाना है। कंगना की फिल्म धक्कड़ की शूटिंग 15 जून से 30 अगस्त तक हंगरी में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को स्वीकार करते हुए केरल तट के पास 2012 की समुद्री गोलीबारी की घटना के संबंध में दो इतालवी मरीन मासिमिलानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्टर में जमा 10 करोड़ रुपए की राशि केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मातृहत्या और दोहरी संतान हत्या की आरोपी एक महिला की दोष सिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जांच अधिकारी ने उसकी मानसिकता दृढ़ता का निर्धारण करने के लिए तुरंत उसका चिकित्सा परीक्षण नहीं किया। खंडपीठ ने कई सबूतों और जांच में शामिल कई तथ्यों के कारण आरोपी की मानसिक स्थिति के संबंध में उचित संदेह पैदा होने के बाद, जिसके बावजूद आरोपी का चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया था, के बाद फैसला लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में असक्षम बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने से प्रतिबंधित नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से ये तय करने के लिए कहा कि क्या वो 22 जून तक डोर टू डोर टीकाकरण करेगी। इसमें कहा गया है कि राज्य को ऐसे दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए अपने आदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उन्हें अंतिम रूप दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक के अनादर की शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें तारीख का उल्लेख नहीं है जिस पर कथित डिफॉल्टर ड्रॉअर को डिमांड नोटिस शामिल किया गया था। जस्टिस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, शिकायत को चौखट पर नहीं फेंका जा सकता है, भले ही वो किसी दी गई तारीख पर नोटिस की तामिल के संबंध में कोई विशिष्ट दावा न करे। शिकायत में हालांकि चेक के अहर्ता को नोटिस जारी करने के तरीके और ढंग के बारे में बुनियादी तथ्य शामिल होने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल को जमानत देते हुए कहा, हम ये कहने के लिए मजबूर है कि ऐसा लगता है कि राज्य के दिमाग में असंतोष को कुचलने की चिंता में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंबानी की खंडपीठ ने कहा कि यदि यही मानसिकता प्रचलित होती है तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर असम राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। राज्य सरकार, असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम SEBA को CBSE और अन्य द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुरूप असम के छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक सूत्र पर पहुंचने के लिए और शिक्षा बोर्ड और परिणाम समयबद्ध तरीके से जारी करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की कथित गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि दायित्व से बचने के लिए पुलिस अक्सर झूठा रुख अपनाती है कि पुलिस स्टेशन में लगाए गए सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने कहा, ये अदालत प्रथम दृष्टया महसूस करती है कि पुलिस द्वारा गैरकानूनी हिरासत के मामलों को छिपाने के लिए पुलिस ये तर्क देती है कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस द्वारा लिया गया ऐसा रुख राज्य के आम नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पुलिस को मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्ण अवहेलना करते हुए दंड से मुक्ति के साथ कार्य करने का अवसर देने का माहौल बनाता है। थाने में किसी को भी हिरासत में ले और आसानी से स्पष्टीकरण दे कि सीसीटीवी कैमरे उस अवधि के दौरान काम नहीं कर रहे थे, जबकि नागरिक कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने उक्त फैसले के लिए सीसी अलवी हाजी बनाम पलापेट्टी मोहम्मद और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त को नोटिस तामील करने के बारे में शिकायत में अभिकथन का अभाव साक्ष्य का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब नोटिस चेक के अहर्ता को सही ढंग से संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है तो अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के खंड बी के अनुसार नोटिस जारी करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है। ये तब आहर्ता पर है कि नोटिस की तामील के बारे में धारणा का खंडन करे और ये दिखाए कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नोटिस उसके पते पर आई थी, या कि कवर पर उल्लिखित 5 पता गलत था, या कि पत्र कभी नहीं दिया गया था, या डाकिया की रिपोर्ट गलत थी। कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अडानी समूह की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले 3 विदेशी निवेशक फंडों के खातों को फ्रीज करने और सच्चाई के साथ सामने आने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मांग की कि सरकार विदेशी निवेशक फंड के लाभार्थियों को भी सार्वजनिक करे, जिन्होंने अपने फंड का 95% से अधिक 4 अदानी समूह की कंपनियों में निवेश किया है, जिन्होंने पिछले 1 साल में बड़ा लाभ कमाया है। NSDL द्वारा इन 3 फंडों के खातों को फ्रीज करने की खबरों के बीच अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 25% तक की गिरावट के एक दिन बाद ये बात सामने आई है। हालांकि अडानी समूह ने कहा कि खातों को फ्रीज नहीं किया गया था और इसके विपरीत कोई भी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक थी। केंद्र ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 28 मई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से कोई संबंध नहीं है। केंद्र सरकार के 28 मई 2021 के आदेश के तहत गुजरात राज्य में मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग और बलौदाबाजार, राजस्थान राज्य में जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा राज्य में फरीदाबाद और पंजाब राज्य में जालंधर जिला के कलेक्टर को धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए या धारा 6 के तहत देशीयकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए केंद्र के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्ना, नताशा नरवाल और देवंगाना कलिता के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत अपराधों में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में 10 प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्ना, नरवाल और कलिता भी शामिल थे। पुलिस ने दावा किया कि तन्ना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी की एक उच्च न्यायालय की पीठ ने चार्जशीट के प्रारंभिक विश्लेषण के बाद पाया कि इस मामले में UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधियों धारा 15, 17 और 18 के अपराधों में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। खंडपीठ ने कहा कि जमानत के खिलाफ UAPA की धारा 43(d)(5) के कठोरता आरोपी के खिलाफ आकर्षित नहीं है और इसलिए वे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य सिद्धांतों के तहत जमानत पाने के हकदार हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।